नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज श्रावण कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और रविवार का दिन है। अमावस्या तिथि आज शाम 7:19 तक रहेगी। आज श्रावण कृष्ण पक्ष की स्नान दान श्राद्धादि की अमावस्या है। आज पुष्य योग बन रहा है, साथ ही आज सुबह 9:19 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा, उसके बाद आश्लेखा नक्षत्र लग जाएगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर, आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिषीय गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायजैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग शाम 7:20 से कल सुबह 5:31 तक रहेगा, और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 14 अगस्त की सुबह 7 से अगली सुबह सूर्योदय तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 9 अगस्त की सुबह 5:47 से 9:50 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 9 अगस्त की सुबह 8:43 से 9:50 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 13 अगस्त की सुबह 5:49 से 10:44 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त है, शाम 7:20 से रात 10:20 तक, और एक बार फिर रात 11:55 से कल सुबह 5:47 तक। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 11 अगस्त की सुबह 10:52 से शाम 4:54 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 12 अगस्त की दोपहर बाद 3:25 से शाम 7:12 तक, और रात 8:40 से 1:35 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिली जुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति सामने से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज ये अशुभ समय शाम 7:20 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, कर्क, धनु और मकर राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 पहले और 12 बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहु काल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहु काल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए, और अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहु काल होगा शाम 5:27 से शाम 7:07 तक। मुंबई शाम 5:34 से शाम 7:10 तक। चंडीगढ़ शाम 5:30 से शाम 7:11 तक। लखनऊ शाम 5:10 से शाम 6:49 तक। भोपाल शाम 5:20 से शाम 6:58 तक। कोलकाता शाम 4:35 से शाम 6:13 तक। अहमदाबाद शाम 5:39 से 7:16 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा शाम 4:58 से शाम 6:33 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल, और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है। तो आज वो दिशा है उत्तर पूर्व और पूर्व। आज घर से निकलकर उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए,
क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।